इस घंटे प्रॉफिट बुकिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी और जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब 1.5% के नुकसान पर यह काउंटर 2482 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इसके ठीक साथ आप कच्चे तेल का एक बार चार्ट भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि सुबह में यही डेवलपमेंट हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कैसे ओवरनाइट इतना बड़ा करेक्शन कच्चे तेल में आया। और जब भी हम देखते हैं कच्चे तेल में इस तरह का करेक्शन आता है, उसका एक रिफ्लेक्शन ONGC पर आता है, तो कुछ ट्रिपल इफेक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी आते हुए दिखाई देते हैं। पहले तो चार्ट्स क्या कहते हैं मानस, रिलायंस इंडस्ट्रीज विद ड्यू डिस्क्लोजर की चैनल जो आप देख रहे हैं, इसका स्वामित्व प्रबंधन नेटवर्क 18 के हाथ में है और किसी ने ट्रेड लेना है, आज की इस कमजोरी को कैसे पड़े 2482 के लेवल्स पर करना क्या है? देखिए, अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है और उसने वो जो दो या तीन दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला था 2500 रुपए के ऊपर, तब रिलायंस में खरीदारी की है पोजीशनल बेसिस पे, तो आप बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि लोअर लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट है 2450 से लेकर 2420, इस रेंज में कम से कम 4 या 5 सपोर्ट दिखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो आपको 2420 के स्टॉप लॉस से पोजीशनल बेसिस पे बना के रखनी है पोजीशन। जहां तक बात ट्रेडिंग की है, ट्रेडिंग इस गिरावट पे नहीं करनी है। अगर 2505 के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज निकलने की कोशिश करे तभी यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल लें, उससे पहले ट्रेडिंग कॉल नहीं लेनी। 2505 के ऊपर ही नई तेजी बनेगी गौरांग, ये जो कल गिरावट आई 4% तक की, और डर यहाँ पर ये उभर कर आ रहा है कि शायद ओपेक की अगली बैठक तक शायद कुछ और करेक्शन देखने को मिले, तो कितना ओवरहैंग आ सकता है रिलायंस ONGC जैसे काउंटर्स पर, या फिर ये आज का ही मूव है लार्जली? मेरे ख्याल से बहुत ही छोटी अवधि की ये बात है अर्शदा, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कच्चे तेल के दाम प्रति डॉलर बैरल की मैं बात कर रहा हूँ ब्रेंट और नाइमेक्स के $35 थे, तभी ज्यादा कुछ योगदान ONGC, ऑयल इंडिया, गेल या फिर HP, BP, IOC ने नहीं दिया। और जब $70-75 प्रति बैरल पहुंचे तब भी कुछ योगदान नहीं देखने मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि डिविडेंड पे आउट मात्र एक बहुत ही बेहतरीन स्तर पर है, क्योंकि सरकारी कंपनी और आपको अच्छा मोटा खासा डिविडेंड चाहिए हर साल इन सब कंपनी से, और कैश एंड कैरी बिजनेस है इनका बिजनेस। अदर देन दैट मेरे ख्याल से कोई ज्यादा जो सरकारी कंपनियां हैं वहां पर मुझे असर नहीं दे रहा, तो देखना होगा। और क्या वाकई में ओपेक प्लस देश जो है, जिस प्रकार से उन्होंने इस महीने या कि मई की पहली तारीख को 500,000 बैरल प्रति डॉलर उत्पादन कटौती की थी, क्या वो सस्टेन कर पाते हैं इस तरीके के बड़े बड़े कट डाउन इन प्रोडक्शन, बिकॉज दे हैव टू सस्टेन द ऑपरेशंस आल्सो फाइनली। और उनकी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो ज्यादातर निर्भर है एक्सपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। मुझे नहीं लग रहा है कि ये ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, और ऑफकोर्स आने वाले भविष्य में भी ये भी देखना पड़ेगा डिमांड सप्लाई को लेकर के क्या परिस्थिति होती है कच्चे तेल।